सुनहरा महल कहते हैं क्योंकि यहाँ गोल्डन पेंटिंग का आप देख रहे हैं, ऐसा हल्का सा नजर आता है कि अभी भी दिखाई देता है। ये सब हाथ का पेंटिंग है आप देख रहे हैं। ये उनका डाइनिंग रूम था, लेकिन डाइनिंग टेबल जो होती थी सुंदर कारपेट होते उसको दस्तरखान बोलते हैं, और ये सब खाने के डिशेज रखे गए। और ये था तोला धान, यहाँ जहांगीर को तुलवाया था अकबर ने। ये दीवाने खास, बाहर से देखने में ये बिल्डिंग डबल स्टोरी लगता है लेकिन सिंगल स्टोरी है। यहाँ अकबर अपने मंत्रियों के साथ बैठकर मीटिंग करते थे, यहाँ उनकी कैबिनेट मीटिंग होती थी, सेम लाइक पार्लियामेंट, मंत्रियों के अंदर मंत्री बैठते थे। यहीं से अकबर ने वो नया मजहब स्टार्ट किया था जिसको नाम दिया था दीन ए इलाही। बाजार लगता था, ये था मीना बाजार लेडीज मार्केट, और वो जोधाबाई का समर हाउस था जो गर्मियों में रहा करती थी। गेट के अंदर छोटे छोटे हॉल्स आप देख रहे हैं, ये साई पोस्ट ऑफिस, यहाँ से कबूतर मैसेज लेकर जाते थे। खाने के लिए ऐसा स्विमिंग पूल बना हुआ है, आउटसाइड में यहाँ जालियाँ थी वो सब टूट गई हैं। देखा है सिकरी, ये पूरा फतेहपुर जो आप देख रहे हैं, जिस गेट से आप लोग हैं सर, इस गेट को बोलते हैं बादशाही दरवाज़ा, रॉयल गेट। अकबर बादशाह आगरा से फ्राइडे के दिन प्रे करने के लिए इस गेट से आते थे, और वो सामने है अकबरी मस्जिद, अकबर वहाँ प्रे करते थे। आज भी वहाँ लोग पांच टाइम का प्रे करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। बड़ा वाला जो गेट देखा सर आप, इस गेट को बोला जाता है मेन गेट बुलंद दरवाज़ा, एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है बुलंद दरवाज़ा। इस गेट की जो है नीचे रूप से बनाई गई है 176 फीट की, 176 फीट हाई प्लेटफॉर्म है जो बनाया गया है 134 का है, और 90 फीट की इसकी आर्च है, चौड़ाई है। तीन साइड में राइटिंग और कुरान लिखा गया है, इसका नकल करके ताजमहल पर उतारा गया है। तीन साइड में 84 रूम्स बने हुए हैं, 84 कमरे हैं। ये अकबर टाइम क्लासरूम थे।